वेलकम टू टाकीज बुलेटिन। आज मेरा मूड ना बहुत ख़राब है। लोग मुझे ना इतना नाम रखते हैं, मेरे को एकदम ऐसा लग समझते हैं कि मैं एकदम येड़ी हूँ, लेकिन वो लोग वही करते हैं जो मैं करती हूँ। ये परफेक्ट ब्राइड करके एक मालूम है अभी रियलिटी शो आ रहा है, सुना होगा ना? क्या नहीं सुना? क्या नहीं सुना तो मैं सुनाती हूँ उनको भी और तुमको भी। चलो ये देखो कार्टून बॉय। एनीवे गाइस, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो सिम्फनी आपने इस वक्त सुनी इज वेरी वेरी जोकी। उसको लगता है ना कि वो बहुत स्मार्ट है। दैट्स राइट। ए, ये बाल का कौन सा स्टाइल है? ऐसा लगता है विग लगाया टकले जीतू तेरे की बोली में। ये ड्रामा रोज रोज लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कितना ओवर एक्टिंग करता है रे। ये देख ये देख, हार गया हूं मैं। पक्का वो मेलो ड्रामेटिक। आई एम स्पीचलेस। हाय अमृता राव, अमृता राव। ये ऐसा चिल्ला रहा है जैसे अमृता राव जैसे ऐश्वर्या राय हो। बाय द वे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत 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 खूबसूरत लग रही हैं। धकेली तो है वोकल बाम्बू। ऐसा लगता है ना इसको 24/7 जुलाब लगेला रहता है। अहिला ये सही है यार, आंटी है लेकिन एकदम सामान है। एग्जैक्टली टाकेज लाइक सेम अमृता, अमृता नहीं मलाइका है ना जीतू। ये टकलिया नियत साफ रख। अब ये लोग जो तमाशा यहाँ कर रहे हैं ना एकदम एग्जैक्टली रियलिटी शो का प्रमोशन कर रहे हैं ये। और ऐसा ही एग्जैक्टली रियलिटी शो मेरा भी था, यानी टाके का भी था। तुम लोग को मालूम है इस रियलिटी शो का नाम है परफेक्ट ब्राइड। एक बहू भी बनना या एक बहू भी होना आपको लाइफ में कितने सारे समझौते करने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली ठीक है। एकदम मेरा स्वयंवर जैसे ही आइडिया है, उधर से ही इंस्पायर हुए, उधर से ही चुराया है। डोंट वरी विशाल। अहिला कौन आ रहा है? हुई कमेंट। ओ माय गॉड, कांच टूट गया। हड खोदा पहाड़ निकला चूहा। शेखर ये बाल का कौन सा स्टाइल है? ऐसे लगता है सर पे दिवाली का रस्सी बम फोड़ा है। ये उससे बहुत ही भिन्न है। शेखर तू लड़कों के लिए क्या करेगा? आपसे गुड़गिरी चालू करेगा? इसलिए मैंने ये और ये चिंता का विषय, इसलिए मैंने ये तय किया है कि कन्याओं के नजरिए को भी मैं नजरअंदाज नहीं होना। सॉलिड है। इसके अलावा मैं हर कुंवर और हर कन्या पर अपनी सख्त नजर रखूंगा। शेखर बाथरूम और बेडरूम छोड़ के, नहीं तो उधर भी कैमरा लगाएगा तू। नजर रखता है बुड्ढा। ये देखो पहला गधा। हाँ इसका ऐसे लगता है ना इसका बेटा एकदम फुल मॉडल आइटम है, बॉडी एकदम रावल से। अच्छा है, अच्छा है। ये देखो दूसरा गधा एकदम क्वीट है, क्वाइट है, क्वीट है। हाँ हाँ वही वही क्यूट है, क्यूट है। ये देखो तीसरा इडियट, उसकी माँ भी एकदम ब्यूटीफुल लेडी है, मस्त है। ऐसा लगता है ना लड़की को छोड़ के माँ की दूसरी शादी कर दूँ। ये रहा दूसरा घन चक्कर, मम्मी का बच्चा। ए मलाइका तेरे को मर्दों का एकदम सॉलिड एक्सपीरियंस है ना? नहीं तेरे घर पे सब एकदम खतरनाक खतरनाक मर्द है इसलिए पूछती हूँ। मलाइका सलमान को ना बहू चुनना, अगर तेरे को दिया जाए पावर तो तू कैसे चुनेगी बहू? सलमान के लिए एक बहू चुनना, एकदम टाकी सावन जैसी परफेक्ट ब्राइड ही चुनेगी ना मेरे। मैं क्यों चुनूं उनके लिए बहू, वो खुद चुनेंगे ना उनके लिए। अच्छा मेरे को बता शेखर तूने शो में ना उंगली क्यों किया? मैंने सिर्फ पैसों के लिए किया या कुछ अलग शो इसलिए किया? ये चुना क्योंकि जैसा कि आपने कहा हमने अलग किस्म के शोज किए हैं और ये उससे बहुत ही भिन्न है। बराबर है, बराबर है। और इसलिए ये बहुत स्वाभाविक था कि हम एकदम सॉलिड है। तेरा एक्सपीरियंस है ना तो मालूम है सबको, सीक्रेट फिल्म में काम कर करके तू शाहरुख खान बन गया था सीक्रेट फिल्म का। ब्लू फिल्म, ब्लू फिल्म है ना, ब्लू नाम की एक फिल्म आ रही है ना वैसी फिल्म, वैसी बोल रही हूँ मैं। अच्छा अमृता तू शादी करेगी क्या इस शो में? लग गया तो कर ही डालना, बाद में तेरे को कौन देखेगा? दो चार दिन में तो बूढ़ी हो जाएगी। I'm happy being single. I'm enjoying my single status. And so are we. चले चल जीतू निकल, मारेगी सैंडल। तो ऐसी हॉट खबरों के लिए लॉग ऑन करते रहिएगा desimad.com पर। वादा है टाके का, एक बार लॉग इन किया तो लग जाओगे टाके के साथ। चले नेक्स्ट।